नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दृष्टि आईएएस कोचिंग के फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस ब्रांच के लिए इसके दृष्टि आईएएस कोचिंग का फीस स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे वो दोस्तों है करोल बाग का ब्रांच, जो कि दोस्तों दिल्ली में है। एंड दोस्तों, ये वाला ब्रांच जो है इंग्लिश मीडियम में चलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दृष्टि आईएएस कोचिंग के इंग्लिश मीडियम ब्रांच जो कि करोल बाग में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी दृष्टि आईएएस कोचिंग के इंग्लिश मीडियम ब्रांच में एडमिशन लेना है जो कि दिल्ली में है, तो उसके लिए जो फीस है ये होने वाली है, तो आप भी ये वीडियो अंत तक देखें। तो दोस्तों, ये जो फीस है ये 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल है। एंड दोस्तों, जो फीस है ये किस कोर्स के लिए कितनी होने वाली है आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप जीएस का फाउंडेशन कोर्स लेते हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस का फाउंडेशन कोर्स इसमें होता है दोस्तों, आपको ये जो है टोटल आपको 1,50,000 में मिलता है। अगर आप इसको एक वन टाइम पेमेंट करके लेंगे तो 1,40,000 में मिल जाएगा। अगर आप दृष्टि के पहले से स्टूडेंट रह चुके हैं तब, अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट वाइज लेंगे तो 1,50,000 ही आपको देना होगा। अगर आप पहले से दृष्टि के स्टूडेंट नहीं हैं तब भी आपको ये 1,40,000 में ही मिल जाएगा। एंड अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो आपको 1,50,000 देना होगा। अब दोस्तों, बात करें सी साइड कोर्स के लिए क्या फीस है। तो दोस्तों, सी साइड कोर्स के लिए जो फीस है ये 25,000 होने वाली है। बट अगर आप दृष्टि स्टूडेंट हैं, मतलब दृष्टि में आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो ये आपके लिए 20,000 में ही पड़ जाएगा। एंड अगर आप नॉन दृष्टि स्टूडेंट, मतलब आप पहले से दृष्टि आईएएस कोचिंग के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपको ये 25,000 में मिलने वाला है। अब दोस्तों, बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्या फीस होने वाली है। तो दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी एंड PSIR, इसके लिए जो फीस है ये टोटल है 55,000। बट दोस्तों, अगर आप दृष्टि के स्टूडेंट हैं तो ये आपको 45,000 में ही मिल जाएगी वन टाइम पेमेंट करने के बाद। बट अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट वाइज, मतलब किस्तों में जमा करेंगे, तो आपको ये 50,000 में मिलेगा। एंड अगर आप दृष्टि के स्टूडेंट नहीं हैं और आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो आपको ये 50,000 में मिल जाएगा। एंड इंस्टॉलमेंट वाइज आपको ये 55,000 में मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं हिंदी लिटरेचर का ऑप्शनल सब्जेक्ट जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है, वो जो है आपको 45,000 में मिलने वाला है। बट दोस्तों, अगर आप दृष्टि के स्टूडेंट हैं या फिर आपको वन टाइम पेमेंट करना है तो आपको ये 40,000 में ही मिल जाएगा। बट आपको ये जो है इंस्टॉलमेंट वाइज 45,000 में मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं SC कोर्स की, SC के लिए क्या फीस होने वाली है। तो दोस्तों, SC के लिए जो फीस होने वाली है दृष्टि स्टूडेंट के लिए 20,000 है। एंड जो पहले से, मतलब जो दृष्टि स्टूडेंट नहीं है, मतलब जो दृष्टि में कभी नहीं पढ़े हुए हैं, उनके लिए 22,000 फीस होने वाली है। अब दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की। दोस्तों, नेक्स्ट कोर्स में आता है टेस्ट सीरीज का। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज की बात करें तो अगर आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लेते हैं तो इसमें आपको GS और CSAT दोनों इंक्लूड होगा। इसमें आपको GS का 25 टेस्ट सीरीज प्लस 5 CSAT का टेस्ट सीरीज, मतलब आपको टोटल जो टेस्ट मिलेंगे 30 मिलेंगे। एंड इसके लिए जो फीस है ये 10,000 है। एंड दोस्तों, अगर आप मेंस टेस्ट सीरीज की बात करें तो मेंस की जो टेस्ट सीरीज होने वाली है ये आपको 20 टेस्ट मिलेगा मेंस का। एंड इसके लिए जो फीस है 18,000 है। एंड बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज के बारे में, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जो टेस्ट सीरीज होने वाली है इसमें आपको 16 टेस्ट मिलेंगे। एंड जो इसके लिए फीस है 16,000 है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि क्या फीस होने वाली है अगर आप कोर्स लेते हैं तो उसके लिए क्या फीस होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये फीस इंस्टॉलमेंट वाइज पेड करना है तो उसके लिए क्या फीस है। तो दोस्तों, अगर आपको इंस्टॉलमेंट वाइज फीस पेड करना है तो अगर आप दृष्टि के स्टूडेंट हैं तो आपको ये इंस्टॉलमेंट देना होगा। एंड अगर आप दृष्टि के स्टूडेंट नहीं, मतलब आप पहली बार दृष्टि में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको ये इंस्टॉलमेंट देना होगा। इसमें बात करें जो हमने पहले देखा था यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट वाला, उसके लिए जो फीस है टोटल 1,50,000 है दृष्टि स्टूडेंट के लिए। एंड नॉन दृष्टि स्टूडेंट के लिए भी 1,50,000 ही है। एंड इंस्टॉलमेंट वाइज आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 60,000 का देना होगा, सेकेंड 40,000 का, थर्ड 30,000 का, एंड फोर्थ जो है 20,000 का। तो दोस्तों, ये तो था इंस्टॉलमेंट वाइज क्या फीस आप देंगे। एंड दोस्तों, आप ये जो इंस्टॉलमेंट देंगे ये 1 मंथ के गैप में देंगे, मतलब 1 महीने बाद ही आपको ये फीस देना होगा, मतलब 30 दिन के भीतर ही आपको ये फीस देना होगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, जो हमने देखा था कि ये था, मतलब अगर आप लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट और इंस्टॉलमेंट वाइज लेते हैं तो इसके लिए जो फीस थी दृष्टि स्टूडेंट के लिए 50,000 थी, और जो दृष्टि स्टूडेंट नहीं है, मतलब जो दृष्टि में कभी नहीं पढ़े, उनके लिए 55,000 थी। एंड दोस्तों, आप इसको 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। अगर आप दृष्टि के स्टूडेंट हैं तो टोटल फीस थी 50,000।
एंड आप इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25,000 का देंगे, सेकेंड 15,000 का, एंड थर्ड जो है 10,000 का। और अगर आप दृष्टि स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको 25 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना होगा, 20,000 का सेकेंड इंस्टॉलमेंट एंड 10,000 का थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो दोस्तों ये तो था, अगर आप सेपरेट लेते हैं कोर्स तो उसके लिए क्या फीस स्ट्रक्चर है, अगर आप दोस्तों कॉम्बो पैक लेते हैं तो आपके लिए क्या फीस स्ट्रक्चर है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये है फीस स्ट्रक्चर कॉम्बो पैक के लिए, अगर आप एक साथ दो तीन कोर्स ले लेते हैं तो उसके लिए आपको क्या फीस पेड करना होगा, मतलब आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आइए देखते हैं। दोस्तों बात करें अगर कॉम्बो पैक के जीएस के प्रीलिम्स प्लस मेन फाउंडेशन कोर्स की प्लस सीसेट प्लस प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, तो दोस्तों आपको ये जो टोटल पड़ जाएगा वन टाइम पेमेंट करने के बाद 1,65,000 रुपीज़ पड़ जाएगा, एंड अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट वाइज लेंगे तो आपको 1,75,000 रुपीज़ में पड़ेगा। एंड दोस्तों इंस्टॉलमेंट वाला फीस यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको किस इंस्टॉलमेंट में कितना फीस पेड करना है, तो दोस्तों आप इंस्टॉलमेंट वाला देख लीजिए कि आपको किस इंस्टॉलमेंट में कितना फीस देना है, मैं आपको फीस बताता हुआ चल रहा हूँ। दोस्तों ये जो टोटल फीस दी हुई है ये दोस्तों अगर आप बता रहा है इसमें कि अगर आप कॉम्बो कोर्स अलग अलग लेते हैं, मतलब अगर आप ये कोर्स अलग अलग लेते हैं तो आपको क्या फीस पेड करना होगा, मतलब आप एक साथ नहीं लेंगे, मतलब एक बार आप फाउंडेशन कोर्स लेंगे फिर सीसेट लेंगे फिर टेस्ट सीरीज लेंगे तो आपको ये फीस पेड करना होगा, मतलब अलग अलग लेने के बाद आपको ये वाली फीस पेड करनी है। बट दोस्तों हम देखने वाले हैं कॉम्बो पैक का, तो कॉम्बो पैक का दोस्तों नेक्स्ट जो आता है कोर्स उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों जीएस का फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स एंड मेंस का प्लस सीसेट, दोस्तों इसके लिए जो फीस होने वाली है वन टाइम पेमेंट करने के बाद 1,55,000 रुपीज़ होने वाली है, इंस्टॉलमेंट वाइज 1,65,000 रुपीज़ होने वाली है। नेक्स्ट जो कोर्स आता है वो आता है जीएस का फाउंडेशन कोर्स एंड जो है टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स का एंड टेस्ट सीरीज मेंस का, दोस्तों इसके लिए टोटल फीस वन टाइम पेमेंट करने के बाद 1,60,000 रुपीज़ देना होगा, इंस्टॉलमेंट वाइज 1,70,000 रुपीज़ देना होगा। नेक्स्ट कोर्स आता है जीएस का फाउंडेशन कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स का प्लस मेंस का टेस्ट सीरीज प्लस इससे, दोस्तों इसके लिए जो फीस देनी होगी वन टाइम पेमेंट करने के बाद 1,80,000 रुपीज़ देना होगा, इंस्टॉलमेंट वाइज 1,90,000 रुपीज़ देना होगा। नेक्स्ट जो कोर्स आता है जीएस का फाउंडेशन कोर्स प्लस सीसेट प्लस इससे, इसके लिए जो फीस है 1,75,000 रुपीज़ वन टाइम पेमेंट पे है एंड 1,85,000 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट वाले पेमेंट पे है। नेक्स्ट बात करते हैं जीएस का फाउंडेशन कोर्स प्लस सीसेट प्लस इससे प्लस टेस्ट सीरीज जो है प्रीलिम्स एंड मेंस का, इसके लिए जो होने वाला फीस 2,00,000 रुपीज़ होने वाला है वन टाइम पेमेंट करने के बाद एंड 2,10,000 रुपीज़ होने वाला है इंस्टॉलमेंट वाइज। नेक्स्ट जो कोर्स आता है जीएस का फाउंडेशन कोर्स प्लस हिंदी लिटरेचर का ऑप्शनल सब्जेक्ट जो वीडियो क्लासेस के थ्रू मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 1,70,000 रुपीज़ में वन टाइम पेमेंट करेंगे आप तब, एंड अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट वाइज लेंगे तो आपको पड़ेगा 1,80,000 रुपीज़ में। बात करते हैं नेक्स्ट जीएस का फाउंडेशन कोर्स प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिस्ट्री जियोग्राफी सोशियोलॉजी एंड PSIR, मतलब आप कोई में से चारों में से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे और प्लस जीएस का फाउंडेशन कोर्स लेंगे तो आपको ये टोटल फीस पड़ने वाली है 1,80,000 रुपीज़ वन टाइम पेमेंट करने के बाद, एंड अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट वाइज लेंगे तो 1,90,000 रुपीज़ पड़ेगा आपको। बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की, तो जीएस का फाउंडेशन कोर्स प्लस हिंदी लिटरेचर का ऑप्शनल जो वीडियो क्लास मिलेगा आपको प्लस सीसेट प्लस इससे, ये जो कोर्स आपको पढ़ने वाली है ये 2,10,000 रुपीज़ वन टाइम पेमेंट करने के बाद 2,20,000 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट करने के बाद। बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की, तो जीएस का फाउंडेशन कोर्स प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिस्ट्री जियोग्राफी सोशियोलॉजी एंड PSIL कोई में से एक प्लस सीसेट प्लस इससे, तो दोस्तों ये जो कोर्स पड़ेगा आपको पड़ेगा 2,20,000 रुपीज़ में, इंस्टॉलमेंट वाइज पड़ेगा आपको 2,35,000 रुपीज़ में। बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की, तो दोस्तों नेक्स्ट कोर्स आता है जीएस का फाउंडेशन कोर्स प्लस हिंदी लिटरेचर का जो वीडियो क्लास मिलेगा आपको वो प्लस सीसेट प्लस इससे प्लस टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स एंड मेंस का, तो दोस्तों आपको ये फुल कोर्स मिलेगा 2,30,000 रुपीज़ अगर आप इसको वन टाइम पेमेंट करते हैं तब, एंड 2,40,000 रुपीज़ अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट करते हैं तब। अब दोस्तों बात करते हैं जो नेक्स्ट आता है लास्ट कॉम्बो पैक, इसमें फुल कॉम्बो पैक है जीएस का फाउंडेशन कोर्स प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री जियोग्राफी सोशियोलॉजी या PSIR में से कोई एक प्लस सीसेट प्लस एससे प्लस टेस्ट सीरीज जो है प्रीलिम्स का प्लस टेस्ट सीरीज मेंस का, दोस्तों ये जो कोर्स आपको पढ़ने वाला है ये पढ़ने वाला है 2,40,000 रुपीज़ वन टाइम पेमेंट करने के बाद एंड 2,55,000 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट करने के बाद। दोस्तों इंस्टॉलमेंट वाइज आप कितना फीस पेड करेंगे ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि किस इंस्टॉलमेंट आप कितना फीस पेड करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो फीस है ये 18% GST के साथ में है, मतलब आपको GST अलग से पेड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दोस्तों
ये जो फीस है आपको 30,000 रुपीज़ के 30 डेज के गैप में देना होगा अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट वाइज लेते हैं तब। मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30 डेज में वन मंथ में, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट वन मंथ में, प्लस थर्ड इंस्टॉलमेंट वन मंथ में, प्लस फोर्थ इंस्टॉलमेंट वन मंथ, मतलब आपको 4 मंथ में फीस पेड करना होगा अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट वाइज लेते हैं तब। तो दोस्तों ये तो हो गया दृष्टि आइस कोचिंग के इंग्लिश मीडियम ब्रांच के लिए फीस स्ट्रक्चर। तो अगर आपको भी दृष्टि आइस कोचिंग के इंग्लिश मीडियम ब्रांच में जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है करोल बाग में, अगर आपको भी वहाँ पर एडमिशन लेना है तो आप भी ये वीडियो अंत तक देख लिया आपने और समझ लिया क्या है फीस स्ट्रक्चर। तो दोस्तों अब अंत में आप ये वीडियो एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें जिससे हमारे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।